नमस्कार, मैं हूं आदित्य और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नई जगह पर आए हैं, एक नए स्पॉट पर आपको लेकर जा रहे हैं। आज हम हैं दिल्ली में और आपको लेकर आए हैं उग्रसेन की बावली में। ये उग्रसेन की बावली है और इन्हीं सीढ़ियों से हम अंदर जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर चलते हैं। वाह, पीछे की बिल्डिंग काफी अच्छी है, लेकिन उग्रसेन की बावली एक हिस्टोरिकल प्लेस है तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी यहाँ देखने में। ये सामने रही उग्रसेन की बावली, दरअसल ये एक स्टेप वेल है, यानी कि सीढ़ियों वाला कुआं, मतलब ये टाइप ऑफ कुआं ही है। देख सकते हैं कद का लोग है, हरा भरा माहौल है और माहौल यहाँ का काफी शांत है। चलिए आपको नीचे लेकर चलते हैं, ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि आगे रास्ता बंद किया हुआ है। और ये देखिए, पुराने जमाने का बनाया हुआ ये कुआं, ये अद्भुत ढांचा पत्थरों से बनाया हुआ है और ये नीचे से लगता है ऐसा कि बहुत नीचे आ गए। बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, हर एक प्रकार के पत्थर। अब पहले ईंट के भट्टे तो होते नहीं थे, जो एक जैसे ईंट रहे हर जगह, तो बना दिया बस जोड़ जाड़ के। आप देखिएगा कि मेरे राइट साइड में ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से नीचे तक काफ़ी सीढ़ियाँ अच्छी लगती हैं। और मेन मेरे पीछे ये रही उग्रसेन की बावली। ठीक है, यहाँ का भी सीन काफ़ी अच्छा है, सामने आ सकते हैं, एंट्री टिकट नहीं लगता है बस। और टाइमिंग है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, आप जब चाहे तब आप आ सकते हैं। चलिए यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका जाए, चलते हैं कहीं और, किसी और जगह। जाने का मन नहीं करता, काफ़ी देर से दौड़ रहा है, पानी घूम रही है, गर्मी बहुत। चलिए अब आपको वापस लिए चलते हैं बाहर की ओर। बाहर आ गए, इसी गेट से अंदर भी आए थे। एक बार आपको चारों बगल बाहर से भी दिखा देते हैं। बाहर से कुछ खास नहीं है, जितना अंदर से खूबसूरत है। दिस वाज इट, उग्रसेन की बावली।